थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लें, क्विक रिव्यू कर लें। ये इंडिया ए और इंडिया बी की दो टीमें यहाँ बनी हैं और इंडिया ए और इंडिया बी के बीच ये मैच चल रहा है। पहले टॉस जीत के इंडिया ए की टीम ने एक बढ़िया टोटल खड़ा किया, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और एक सम्मान्यजनक स्कोर इंडिया बी को दिया बनाने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ग्रेटर नोएडा का। आपको सामने ये सारे ये नॉलेज पार्क के पीछे की पीछे ये फील्ड है, आगे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस देखने को मिलेगा। आप सबका एक बार स्वागत है ग्रेटर नोएडा के इस पावन भूमि पे। और ये मैच बहुत ही रोमांचक हो गया है। 18 गेंदों पे 45 रन चाहिए और बॉल वहाँ पे व्हीलचेयर पे लगी और वाइड हो रहा है। और अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया से पॉइंट के बीच से निकाला है, गेंद सीधे जा रही है दंदनाती हुई 4 रनों के लिए।
बहुत ही बढ़िया शॉट। और अब 17 गेंद और आने वाली मात्र 17 गेंदों में अब चाहिए इंडिया बी को 40 रन्स टू विन दिस मैच बी के लिए। और बी की टीम इसको बहुत ही अच्छे से इसी बीच ये गेंद और बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, हालांकि वहां पे फील्डर है, एक रन मिलेगा और एक रन ही मिलेगा। दो बॉलर हैं सौरभ मलिक इंडिया ए के सीनियर प्लेयर। और ये गेंद और बहुत ही बढ़िया खेला है, वहां पे गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई फील्डर नहीं है और गेंद सीधे निकल गई वहां पे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और सौरभ मलिक की अगली गेंद और फिर से घुमा के मारा है ये बॉल को, वहां पे फील्डर है, बॉल जा रही है, गेंद को फील्ड किया, पहला रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर को दे जैसे ही देखा झपट्टा मार के गेंद को फील्ड करते हुए बैट्समैन ने अपना मन बदला। खूबसूरत ग्राउंड पे सौरभ मलिक की ये गेंद और बहुत ही तगड़ा शॉट खेला है, हालांकि फील्डर है वहां पे, गेंद को एक हाथ से फील्ड किया, थ्रो किया, एक ही रन मिलेगा। 11 रन बने हैं इस ओवर में, इस ओवर की प्रोबेबिलिटी आखिरी गेंद और बहुत ही बढ़िया निकाला है, गैप में निकाला है, फील्डर है लेकिन वहां पे फील्डर जाके फील्ड करके थ्रो करते तब तक दोनों बैट्समैनों ने अपना छोर बदल लिया था। हमारे सामने ये सेंट थॉमस कॉलेज है और सेंट थॉमस कॉलेज एंड से बॉलर हमसे दूर भागते हुए तैयार हैं, एम्पायर ने सिग्नल दे दिया है और रेडी हो रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। बहुत ही रोमांचक मैच ये, 12 बॉल 32 रन और ये गेंद को घुमा दिया है, वहाँ पे फील्डर है, फील्डर के नीचे गेंद जा रही है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक रन मिल गया, बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। 11 बॉल पे 31 रन, बॉलर की ये गेंद सीधे खेला है, क्या बढ़िया शॉट है, वहां पे फील्डर उसके नीचे है और शॉट बहुत अच्छी थी लेकिन फील्डर को पार नहीं कर पाई, कोई रन लेने का मौका नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर भी नहीं बदला। थोड़ा सा यहां से जोखिम उठाना पड़ेगा इंडिया बी को, अगर यह मैच को जीतना है तो थोड़ी सी तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी, जैसे दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अगली बॉल और घुमा के खेलना चाहते थे, व्हीलचेयर पे लगी है, पहला रन भागना चाह रहे थे और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक वहाँ पे एक रन लेके छोर बदल लिया। वहाँ कुछ चमत्कार छक्के चौके कुछ करने पड़ेंगे, बाई वाइड नो कुछ ना कुछ कैसे भी रन आने चाहिए। इसी बीच अगली गेंद आगे निकल के मारा है लेकिन वहाँ पे फील्डर है, एक ही रन मिलेगा, वाले 8 गेंदों में 29 रन की दरकार है इंडिया बी को। अब इस मैच में एक औपचारिकता ही बच गई है लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी बीच हमसे दूर भागते हुए उनकी ये गेंद, चौथी गेंद और सीधे खेला है, क्या बढ़िया शॉट है, पहला रन वहां पे ले लिया, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई बॉलर से सेंट जोसेफ कॉलेज एंड से और घुमा के खेला है, गेंद सीधे आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधे वहां पे 4 रन। और ये बहुत ही बढ़िया मैच और वहां पे खुद एक सीनियर प्लेयर अनुराग आए हैं बॉलिंग के लिए, लास्ट ओवर है, क्या कुछ होने वाला है देखना होगा, ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन। इसी बीच ये गेंद और वहां पे फुल टॉस गेंद थी, सीधे खेला है, फील्डर उसके नीचे है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई लेकिन पहला रन ले लिया और एक ही रन मिलेगा, इधर ही से जाता है तो इसी बीच ये गेंद और गेंद लगभग नो बॉल थी, अंपायर का डिसीजन नो आ रहा है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भी आ रही है और बाउंड्री लाइन को जैसे ही क्रॉस की तो ये 5 रन मिला, एक नो और एक इनसाइड एज लाग के चौका गया था। तो जेज हैं, स्कूल्स हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है, एकेडमीज हैं, फॉर्मूला 1 का रेस है। इसी बीच ये गेंद और ये वाइड है, संभवतः वाइड है, मैच में रोमांच भरता हुआ। ये बहुत ही बढ़िया सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं इस मैच में आया हूँ कमेंट्री करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बीच 5 बॉल 17 रन, क्या कुछ होगा, फ्री हिट है और ये वाइड बॉल है, ये फ्री हिट भी है। अब देखिए ये टीम में काफी उत्साह आ गया है, ये जो लास्ट के बिना बॉल के जो 7 रन मिले हैं, 5 रन एक चौका एक नो बॉल और फिर 2 कंसेक्यूटिव वाइड्स, तो 5 बॉलों पे 16 रन, क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच अनुराग की ये गेंद और वहां पे गेंद छूटी है, बहुत बढ़िया गेंद थी, वहां पे फील्डर से भी गेंद छूट गई है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए, 4 रन हो गए हैं, अंपायर ने आके यहाँ पे क्लियर किया कि ये चौका है। 4 बॉल, अनमोल बॉलर है। इसी बीच अगली गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है, फील्डर है वहां पे, पहला रन बड़ी तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं।
तीन बॉल 11 रन, बहुत ही बढ़िया, 24 रन बनाने थे। और इसी बीच अगली गेंद अनमोल की, और वहां पे बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, वहां पे बीट किया, गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट और कवर के बीच से, लेकिन गेंद सीधे उनको बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के पास निकल गई बगैर किसी रन के लिए। सो दो बॉल 11 रन, क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच अनुराग की ये गेंद, और खेला है थोड़ी सी, वहां पे फील्डर है, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहा है, लेकिन गेंद उनके आगे आगे निकल रही है, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के थोड़ी सी पहले, गेंद को फील्डर ने फील्ड किया, जब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दो रन ले लिए थे। देखिए मैच कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इनके जुनून को सलाम देना होगा। जिस तरह से डिसेबिलिटी के बावजूद हिंदुस्तान के 20 स्टेट से आए हमारे प्लेयर, दो टीमों में बांटा गया और ये खेल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस मैच को आप YouTube के माध्यम से भी देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जो भी करना है कीजिए। वो करने से पहले रोक लिया, इसी बीच अगली गेंद, और बहुत ही तेज खेलना चाहते थे, खेला भी है, और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा भी रही है, फील्डर बाउंड्री फील्डर ने गेंद को गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक दो रन का मौका था, वहां रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन तब तक दोनों बैट्समैन अपने अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। भले ही इस मैच को इंडिया ए ने जीत लिया है, बी की हार हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के इन डिसेबल प्लेयरों ने अपने आप को दिखा दिया है कि व्हाट इज एबिलिटी, और बहुत ही खूबसूरत मैच। अब दोनों टीम के प्लेयर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो टीम स्पिरिट भी यहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बहुत ही धाकड़ मैच हुआ था।